अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो कि आप लोग सब ठीक होंगे, आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी चलते हैं, आज थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी तो आज चले आए बाहर शॉपिंग करने के लिए। कुछ एयरम के लिए स्नैक वगैरह ख़रीदने थे और घर का सामान थोड़ा ख़त्म हो गया था, वो भी लाने जा रही हूँ। अच्छा तो जी मैं यहाँ पे आ गई हूँ चैनी स्टोर शॉप में और यहाँ पे लगभग ग्रोसरी के सभी सामान मिल रहे थे। एक जगह सब सामान मिल जाता है, जो आपको ज़रूरत हो तो अच्छा होता है। इस दुकान उस दुकान घूम घूम के लेने से दिमाग ख़राब होता है। अच्छा है यहाँ पे हर ग्रोसरी का हर कुछ से सामान मिल रहा था, जो डेली यूज़ का जो जो सामान था यहाँ पे अवेलेबल था। जो जो लिस्ट में ज़रूरी सामान था वो मैं ले ली हूँ और मैं अब घर जा रही हूँ। मैं घर आई तो अम्मी यहाँ पे मिक्स भाजी बना दी थी और सिर्फ रोटी बनना था, तो हम लोग थोड़ी देर बाद रोटी बनाएंगे। और यहाँ पे एरम को आलू का भाजी नहीं पसंद है, तो ये आलू का चोखा बचा हुआ था तो मैं इसमें थोड़ा सा मसाला ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स और नमक डाल दूँगी, जिससे इसका थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाए। और इसका ना आलू रोटी बना दूँगी तो उसका वो रात का खाना हो जाएगा। अच्छा तो मैं इस तरह से हाफ़ रोटी पे आलू का स्टफिंग करूँगी और हाफ़ को इसके ऊपर रखकर फोल्ड कर दूँगी। इस तरह से बहुत आसानी से आलू का रोटी बन जाता है और फटता भी नहीं है, स्टफिंग भी नहीं निकलता है। ऐसे आलू भर के बनाने से इधर से उधर से फटते रहता है बेलते वक्त, इसीलिए इस तरह से बहुत आसानी से आलू का जो रोटी बन जाता है। एक बन गया, मैं अब दूसरा बना लूँगी। आलू में दो ही पराठे बने थे, एरम खा लेगी। हमारा आलू का रोटी एक रेडी हो गया, मैं दूसरा बना रही हूँ। और आलू का रोटी या कोई भी पराठा को तेल सरसों तेल में ना तेल तलने से उसका जो है टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है।
एकदम गांव वाला फीलिंग आता है जब सरसों के तेल में कोई भी रोटी या पराठा तलो तो उसका टेस्ट। वीडियो को स्किप किए बिना देखें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इरम का अच्छे तबीयत कुछ ठीक नहीं था तो मैं उसको अच्छा से खाना सजा कर दे रही हूँ कि वो देख कर थोड़ा खाए। तो इस तरह मैं पराठा को कट कर दी और इसको सजा कर इसको खिलाजी के साथ इसको खिला रही थी, पर भाजी इसको अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं इसको सिर्फ आलू का रोटी ही खिला रही थी तो उसको अच्छा लग रहा था तो सिर्फ आलू का रोटी ही खा ली, और वो सिर्फ आधा रोटी खाई थी, उसको तबीयत ठीक नहीं था। इरम को खिलाने के बाद साथ साथ मैं भी खा लूँगी। और यहाँ पे चॉकलेट उसका दादी दी थी तो अपने भी खा रही और हमको भी दे रही है। तो जी ये आज के सुबह का वीडियो है और मैं ये नन्ही नन्ही चिड़ियों से अपने सुबह के वीडियो का आगाज कर रही हूँ। तो जब मैं रात में आई तो उसके बाद मैं वीडियो शूट नहीं की तो सुबह में कर रही हूँ, और सुबह में अभी 8 बजे हैं और सब कोई सो रहा है। मैं साथ साथ फिलिंग भी कर लूँगी और वीडियो भी शूट कर रही हूँ। तो ये मैं यहाँ पे सब जो जो सामान जहाँ जहाँ रखना था वो मैं वहाँ रख रही हूँ, और थोड़ा अपने लिए भी रख रही हूँ, थोड़ा हस्बैंड के लिए भी अलग अलग पैक कर रही हूँ। हस्बैंड को जो जो सामान ले जाना था मैं उसको दो दो जगह रख रही थी, एक अपने लिए और एक हस्बैंड के लिए। फिर मैं खाने के सब सामान से सर्फ साबुन को अलग कर रही हूँ, क्योंकि खाने के सामान में जब सर्फ साबुन रहता है ना एक साथ तो उसका स्मेल, साबुन के स्मेल भी खाने में आ जाता है। हस्बैंड के लिए अलग क्यों पैक कर रही हूँ इसके लिए मैं कल बनाऊँगी वीडियो, उसमें मैं बताऊँगी डिटेल से। अभी बता देने से नेक्स्ट वीडियो को देखने का मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो आपको उसी टाइम मैं बता दूंगी कि मैं ये दो जगह क्यों पैक कर रही थी।
तो हस्बैंड एकदम दोनों उठ गए थे, तो मैं उनके लिए मिनी ब्रेकफास्ट बेबी हूँ और हस्बैंड के लिए ग्रीन टी बना रही हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड टीवी के साथ ग्रीन टी इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा तो जी, अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल और रखिएगा हमें दुआओं में याद। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग में।